अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। मयंक जोशी के सपा में जाने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। चौथे चरण के मतदान से पहले मयंक जोशी ने धमाका किया है, अखिलेश यादव से मुलाकात की है। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं मयंक, भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर नाराज हैं। भाजपा के सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी और उनके बेटे मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद से ही कई तरह की अटकलें अब लगाई जाने लगी हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात की है मतदान से पहले मयंक जोशी ने, एक बड़ा धमाका किया है। राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। तरह तरह के मायने जो है लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात के। भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर नाराज़ हैं मयंक जोशी, ये तो है ही, लेकिन जब वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलते हैं तो उसके बाद से ही जो है हलचल तेज हो गई है। अखिलेश मयंक की मुलाकात के मायने निकाले जाने लगे हैं कि क्या मायने इन दोनों की मुलाकात के हो सकते हैं, क्योंकि चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है और मतदान से पहले ये मुलाकात एक बड़ा धमाका कहा जा सकता है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता अशफाक का। अशफाक लगातार जुड़े हुए हैं। अशफाक, अखिलेश मयंक की मुलाकात होती है, ठीक, चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान से पहले एक बड़ा धमाका, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में भी इस मुलाकात के जो है मायने तलाशे जाने लगे हैं, तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। बिल्कुल, जो मयंक जोशी की अखिलेश यादव से मुलाकात के मायने है राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो, और समीकरण के एतबार से भी देखें, सिर्फ लखनऊ की बात अगर हम करें तो लखनऊ की कैंट सीट है, बीजेपी 1991 से लगातार वहां जीतती आई है। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जब कांग्रेस में थी 2012 में और समाजवादी पार्टी की लहर थी, जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो सीट पर उनको विजय हासिल हुई। 2017 से पहले वो बीजेपी में चली गई, फिर उनको बीजेपी ने टिकट दिया, वो जीत हासिल हुई। 2019 में उन्हें इलाहाबाद प्रयागराज से जो है चुनाव लड़ाया गया पार्लियामेंट का और उनको जीत हासिल हुई, ये सीट खाली हुई तो उन्होंने चाहा कि उनके बेटे चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। और सुरेश तिवारी जो पहले विधायक थे उनको टिकट दिया गया और उनको जीत हासिल हुई। ये सीट जो कैंट की सीट और लखनऊ का जो पूर्वी सीट है, इन पर जो है उत्तराखंड के लोग अच्छी खासी तादाद में रहते हैं और जो रीता बहुगुणा जोशी है उनका बहुत ज्यादा असर है। दूसरी चीज, वो ब्राह्मण है और ब्राह्मणों पर भी उनका बहुत ज्यादा असर है। शायद यही वजह है कि चुनाव के आयन मौके पर ठीक रात में ये कल शाम में ये मुलाकात हुई और उसके राजनीतिक माने ये कि लखनऊ का जो कहीं ना कहीं बीजेपी का गणित है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ यही नहीं रुके मयंक जोशी, मयंक जोशी ने अभिषेक मिश्रा से मुलाकात की जो सरोजिनी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारा ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड मामला था और चुनाव से ठीक पहले एक जो है बड़ा माहौल बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की, अखिलेश यादव ने की, और मुझे लगता है कि उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल अशफाक, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो अखिलेश मयंक की मुलाकात से जो है कई तरह के मायने यहाँ पर तलाशे जा रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात का जो है क्या आगे निकलने वाला है, इस मुलाकात से क्या कुछ वो भी देखने लायक बात होगी, क्योंकि ठीक चौथे चरण के मतदान से पहले ही एक मुलाकात कई तरह के सवाल खड़े कर रही है।